देखिए पूजा, जिस तरह से कल हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अब ईवीएम का रोना रोया जाएगा, तो कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि उनके पास पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो कर ली गई है, तो व्यवस्था के ऊपर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था है। वहीं पर ईवीएम के ऊपर भी उन्होंने कहा, और साथ में उनके स्पीकर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और साथ में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और नायब सिंह सैनी ने जिस तरह से कहा कि पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो भी कर ली गई है, वो आप उनका इशारा साफ समझ सकते हैं कि यदि सीटें काम आती हैं या फिर इंडिपेंडेंट जीतते हैं तो उसके लिए जो जोड़ तोड़ की राजनीति है पर्दे के पीछे उसका खेल जारी है। लेकिन वहीं पर कांग्रेस पूरी तरह से अस्वस्थ दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि जो हरियाणा का वोटर है उसने मैंडेट दे दिया है। बेशक जो इस समय परसेंटेज भी यदि निकल के सामने आ रही है तो वो पिछली 2019 की तुलना की जाए तो उसमें से 1.30 जो परसेंट है वो इस बार हरियाणा में कम जो पोलिंग दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं पर सभी की नजरें जो लालों के लाल हैं उनकी सीटों के ऊपर लगी हुई हैं, चाहे वो अभय चौटाला हो, श्रुति चौधरी हो, इसी तरह आदमपुर सीट हो, भजन लाल का परिवार हो, तो वहीं पर आरती राव के ऊपर लगी हुई है, सभी की नजरें लगी हुई हैं। लेकिन अब क्योंकि एग्जिट पोल भी आ चुका है और जिसमें बताया गया है कि किस तरह से कौन सी जाति ने कहां कहां पर वोट डाली है, और जिस तरह से जाट समुदाय ले लीजिए या फिर दलित ले लीजिए, ज्यादातर जाट और दलित एक तरफ कांग्रेस की ओर स्विंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। और क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर वोटिंग का ट्रेंड दिखाई दे रहा था, इसी तरह शहरों में वोटिंग का जो ट्रेंड है वो काफी कम था, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर जाट या ओबीसी या फिर दलित समुदाय की ज्यादातर वोटें होती हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं हर एक पार्टी के, वो अपने अपने पक्ष में करना चाहते हैं, और यही कारण हुआ कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो वोटिंग परसेंटेज है एकदम बढ़ गई, और दूसरा शहरों में जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी कम दिखाई दे रही है। और यही कारण है क्योंकि बीजेपी का ज्यादातर जो जना आधार है वो शहरी क्षेत्रों में है, क्योंकि सैटरडे का दिन था, सैटरडे और संडे की दो छुट्टियां थी, कहीं ना कहीं जो लोग थे वो छुट्टी मनाने भी चले गए थे, जिसका सीधा सीधा असर बीजेपी के वोट बैंक पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बेशक कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के ऊपर भी पड़ेगा, लेकिन उतना पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है विशाल। और यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के के जो अध्यक्ष हैं वो पूरी तरह से अस्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, और यही कारण है कि अब कांग्रेस ने अपने सीनियर ऑब्जर्वरों की 5 बजे दिल्ली में बैठक बुला ली है, जिस पर आगे की रणनीति के ऊपर चर्चा की जाएगी कि सरकार किस तरह से बनानी है। सीएलपी की जो बैठक होगी वो दिल्ली में बुलाई जाएगी या फिर चंडीगढ़ में बुलाई जाएगी। अभी जो मेरे सोर्सेज हैं उन्होंने अभी अभी जानकारी भी दी है कि 5 बजे जो बैठक होने जा रही है, और सारे के सारे जो 3 ऑब्जर्वर हैं जिनमें प्रताप सिंह बाजवा है, अशोक गहलोत है, अजय माकन को दिल्ली पहुंचने के लिए कह दिया गया है। चलिए ठीक है विशाल। तो यहाँ पर जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, खुशखबरी चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे हरियाणा, दोनों ही तरफ कांग्रेस के लिए नजर आ रही है। ऐसे में राजीव रंजन कल क्या